बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा किचन टिप्स प्रोग्राम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिक्स जो दाल मटर और सब्ज़ी की बिरयानी बनने का तरीका बताऊंगा। तो उसके लिए मेरे पास ये देख लें, थोड़ी चने की दाल है, ये थोड़ा मटर है पीस, और ये गाजर है, कैरेट एक अदद काटी है मैंने, और एक छोटा सा आलू पोटैटो काट दिया है। तो इसके साथ जो प्याज है, एक अदद बड़ी प्याज ली है, इसके साथ टमाटर एक अदद जो बड़ा मैं काट दिया, और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट है। उसके बाद मसालों में जो है बिरयानी का मसाला लिया हूँ मैंने, ठीक है, और साथ में जो खड़े मसालों में, इसके साथ जो है दो अदद बे लीफ लिए मैंने, और एक ये दालचीनी का टुकड़ा है बड़ा सा, साथ में दो अदद बड़ी इलायची ये भी लिए मैंने, और पाँच से छः अदद लौंग और पाँच से छः अदद काली मिर्ची, तो ये भी हम सब इसी में डाल देंगे। तो चलें शुरू करते हैं अभी। फ्रेंड्स, चावल जो है मैंने, फ्रेंड्स चावल मैंने पहले जो है धो के अच्छी तरह तकरीबन एक घंटे के लिए रख दिए, ठीक है। चावल जैसे ही थोड़े नरम हो जाएंगे, पहले हम मसाला बनाएंगे, उसके बाद ही चावलों को उबाल लेंगे। उबालने के बाद जो अपना नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो अपना दाल और मटर आलू वगैरह है गाजर, इसको फ्राई करेंगे। इसका मसाला, उसके लिए थोड़ा तेल हम इसमें डाल देते हैं। अपना प्याज को फ्राई करेंगे। इस तेल में हमने बे लीफ और ये दालचीनी का टुकड़ा जो है ये भी डाल देना। तेल गर्म हो जाएगा, हमने प्याज डालना है इसमें। देखें, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, और इसमें से जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकाल देंगे, क्योंकि मैं ये प्याज को फ्राई करने के लिए जो ऑयल है ज़्यादा यूज़ किया, तो इसलिए इसको अभी हमारे पास ये जो लौंग और ब्लैक पेपर और ये कार्डियम है, सही है, अभी ऐड कर देते हैं काली इलायची, इसको फ्राई करें। टमाटर डाल देते हैं। गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक टू टेबल स्पून और टू टेबल स्पून ये बिरयानी का मसाला, बम्बई बिरयानी मसाला है। सब चीज़ों को फ्रेंड्स आपने लो फ्लेम पर फ्राई करना है, इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। अभी इसको 2-3 मिनट के लिए आपने इसे ढक कर रख देना है लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो फ्रेंड देखें, सब्जी हमारी तैयार हो गई है, ठीक है। अभी चलें इसको हम एक साइड पर रख देते हैं, ठीक है। अभी इसमें जो अपने चावल है हमारे, हम चावल उबालेंगे। तो फ्रेंड देखें, चावल को हमने पहले पानी में रख दिया था, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमने, ये तकरीबन देखें 2 भाग में डिवाइड हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक। तो इसके लिए अभी इनको हम जो है डालेंगे। तो ये पानी में पहले हमने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था, तो फ्रेंड्स पानी में पहले चूल्हे पे रख दिया था गर्म होने के लिए। अभी अपने पानी इसमें तकरीबन सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट हमने पहले जो सब्ज़ी बनाई फ्रेंड्स उसमें हमने नहीं डाला था, इसलिए हम ये चावल के पानी में डालेंगे।
तकरीबन ये एक चम्मच खाने के इसमें डाल देते हैं। साथ में तकरीबन एक से डेढ़ चम्मच इसमें हम ऑयल डालना है, डेढ़ डाल दें या दो डाल दें। इसमें पानी हमारा उबला हुआ है, अभी जो हमारे चावल हैं चावल इसमें हम डाल देते हैं। फ्रेंड्स देखें चावल हमारे उबल गए, तैयार हो गए, तो चले इनको उतारते हैं और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ड्रेन आउट कर दें। तो फ्रेंड्स चावलों का पानी हमने खुश कर लिए, अभी इसके पैनल के नीचे जो है पैन के नीचे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा इसको नहीं करना है नीचे से ताकि दम के दौरान ये नीचे से चिपके ना। से तीन चम्मच हम ये वही है तेले जो हमने एक्स्ट्रा जो निकाला था प्याज से, तो अभी इसमें नीचे चावलों की तेल लगा देते हैं। दो लेयर्स बनानी है हमने इसकी फ्रेंड्स। बॉल मेरा छोटा है इसलिए दो लेयर्स बनाएंगे। अभी जो इसमें हमारा मसाला है इसमें डालेंगे नीचे जो मिक्स सब्जी का है इसकी लेयर लगाएंगे इसे। अभी दूसरी लेयर फिर इसकी लगानी है हमने चावलों की। यह इसमें अपने से दबा के रखने ताकि अच्छी से ये गल जाए इसमें नीचे से दम के दौरान। इसको अभी हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट पर मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देना है, ठीक है। उसके बाद इसको उतारेंगे फिर हम डिश आउट करेंगे। तो चलो इंतज़ार करते हैं, 10 से 15 मिनट हो जाएंगे फिर उतार देंगे जी। तो फ्रेंड्स देखें हमारी मज़ेदार बिरयानी तैयार हो चुकी है, ठीक है, ज़बरदस्त एकदम खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो चले हम इसको हम डिश आउट करते हैं, डिश में डाल देते हैं। चावल को आस्ते आस्ते हम निकालेंगे एक साइड से। फ्रेंड्स यह चिकन के बगैर है फ्रेंड्स, लेकिन दाल के साथ मटर के साथ और साथ में आलू भी है, गाजर भी इसके साथ ही है, ठीक है। इसमें और गाजर भी है और बहुत मज़े की जायका है इसका, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आप भी ऐसे बनाएं फ्रेंड्स जी। तो फ्रेंड देखें हमारी मज़ेदार बिरयानी गाजर मटर आलू की और चने की दाल की बिरयानी मिक्स है, ठीक है। फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी, ठीक है। तो मेरी आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल टिप्स वगैरह को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और रेसिपी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के लिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।